बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं इकराम। अगर आपकी यूके की कंपनी को बने हुए एक साल का अरसा कंप्लीट हो गया है और आपने अभी तक कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल नहीं किया, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं खुद से। इस काम के लिए बहुत सारे अकाउंटेंट भी होते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम खुद से कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करना सीखेंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेरी एक कंपनी की कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना ड्यू है, तो आज वो कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करेंगे और साथ आपको सिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके और आप खुद से अपनी कंपनी की कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कर सकें। अगर आप कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते तो आपको डिफरेंट किस्म के जो है कॉन्सिक्वेंसेज बेयर करना पड़ सकते हैं। वो कौन कौन से हैं आज वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी के बटन को ज़रूर दबा लें ताकि जितने भी वीडियोस लेकर आऊँ उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम Google के ऊपर आ जाते हैं। Google के ऊपर आने के बाद आपने लिखना है UK कंपनी हाउस। जो जैसे ही आप UK कंपनी हाउस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला लिंक है आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी की डिफरेंट डिटेल्स शो हो रही हैं। फाइंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, फाइल योर कंपनी अकाउंट्स, फाइल योर कंफर्मेशन स्टेटमेंट। तो हमने कंफर्मेशन स्टेटमेंट करनी है और ये एनुअल रिटर्न होता है, तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आप इस लिंक के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है जी, इस लिंक के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके पास एक ईमेल आपको आती है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मुझे ईमेल आई है, यहाँ पे भी एक कंपनी का लिंक दिया होता है। अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आने के बाद आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक न्यू विंडो के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी लगानी है और पासवर्ड लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना ऑथेंटिकेशन जो कोड एक होता है कंपनी की तरफ से आपको मिलता है, वो आपने वहाँ पे पुट करना है। तो आप अपनी जो कंपनी की डिटेल्स हैं वहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। वो किस तरह होंगे, मैं लॉगिन करके वहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो न्यू टैब ओपन होगा वहाँ पे आपने अपनी ईमेल पुट करनी है और वहाँ पे पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने अपना ऑथेंटिकेशन कोड पुट करेंगे तो आपके पास जो है नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टैब आपके पास कौन सा ओपन होगा, वो जो है आपके पास इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये चूंकि मैंने ऑलरेडी पुट कर ली थी ताकि आपका टाइम सेव किया जा सके, वो सिंपली प्रोसेस है। ईमेल लगानी है और आपने वहाँ पे अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो पुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बार बताता चलूँ कि अगर आप कन्फर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल नहीं करते तो आपको कौन से कॉन्सिक्वेंसेज जो है बेयर करना पड़ सकते हैं। नंबर वन, आपकी कंपनी को जो HMRC है, कंपनी हाउस है, वो स्टक कर देता है। मीन्स कि आपको अलाउ नहीं करता बाद में कि आप उस कंपनी को ऑन कर सकें, यूज़ कर सकें, जो कि सबसे बड़ा आपको लॉस होगा। इसके अलावा जो है आपको पेनल्टी जो है पे करना पड़ सकती है। पेनल्टी मीन्स आपको जो है आपको फाइन किया जा सकता है। अगर आप अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट को इन टाइम जो है फाइल नहीं करते तो आपको फाइन किया जा सकता है, जो कि आप पे करेंगे या तो कंपनी हाउस को या फिर आप उस कंपनी को छोड़ देंगे। ये अब आपने डिसाइड करना है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो टाइम पीरियड दिया गया हो आप उस टाइम पीरियड के अंदर अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल करें। एक सिंपल सा प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को जो है इस वीडियो को देखने के बाद खुद से फाइल कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ब्लर की हैं क्योंकि कंपनी हाउस की डिटेल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मैं आपको शो नहीं करवा सकता। यहाँ पे आपको मेरी चीज़ों को देखने के बाद आइडिया ज़रूर हो जाएगा किस तरह आपने इस फाइल करना है। जब आप अपनी कंपनी के हाउस को पेज के ऊपर होंगे तो आपको चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी और इस चीज़ से आपको इजीली आइडिया हो जाएगा जब आप दोनों को कंपैरिजन से देख रहे होंगे। यहाँ पे आए तो आपके पास कंपनी डिटेल्स आपके पास आ रही होती हैं, मींस कंपनी कन्फर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, ओवरव्यू, तमाम डिटेल्स वगैरह। यहाँ पे आपके पास कंपनी का जो है नेम आ रहा है, यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे आपकी कंपनी किस डेट को बनी थी वो आ रहा है, और यहाँ पे जो है नीचे आपके पास एड्रेस आ रहा है, जो भी आपका एड्रेस है, कंपनी का एड्रेस है। इससे अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपका अकाउंट अप टू डेट है, ये एक सेपरेट चीज़ है। इस तरफ हम आते हैं जो कि हमने आज काम करना है, कंफर्मेशन फर्स्ट कंफर्मेशन स्टेटमेंट ड्यू। मेरी ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट इस कंपनी के ऊपर फर्स्ट है, तो मैं आज फर्स्ट टाइम इसको जो है फाइल कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट हो रहा है। अगर सेकंड थर्ड होता तो वो उस लिहाज से शो कर रहा होता। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है फाइल कंफर्मेशन स्टेटमेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे सिंपली दो स्टेप हैं। यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम है, यहाँ पे कंफर्मेशन स्टेटमेंट है, यहाँ पे वीडियो इन्होंने दी हुई है।
कि किस तरह आप डेमो वीडियो के किस तरह आप कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें तो ये देख लें, अदरवाइज आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये कुछ चीज़ें हैं। यू विल नीड, आपके पास 13 pounds होने चाहिए जो कि फीस है कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करने की। इसके बाद ये तमाम चीज़ें आप ये पढ़ लीजिएगा। इससे अगर नीचे आए तो यहाँ पर लिखा है स्टार्ट का बटन, जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज के ऊपर ले आएगा, ठीक है जी। इस पेज के ऊपर लाने के बाद यहाँ पे वही ऊपर वाली वही तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी ट्रेडिंग स्टेटस, इसको आपने देख लेना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है वर एनी ऑफ द कंपनी शेयर्स एडमिटेड टू ट्रेडिंग ऑन अ मार्केट। ये रिलेटेड है कि क्या आपकी कोई कंपनी जो है ट्रेडिंग मार्केट के अंदर काम कर रही है। तो इसमें हमेशा हमारे पास जो आंसर होता है वो होता है नो, तो हमने नो के ऊपर क्लिक करना है, जो कि ऑलरेडी है, तो हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप है, उस स्टेप के बाद आप अपने फाइनल स्टेप की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पे वही तमाम चीज़ें, कंपनी का नेम है, नंबर है, और यहाँ पे कुछ चीज़ें शो हो रही हैं, ठीक है जी। मैं इनको वन बाय वन ओपन नहीं करूँगा, यानी कि आप व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो तमाम आपकी डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। व्यू के ऊपर क्लिक किया है तो मेरा करंट जो एड्रेस है कंपनी का वो ये एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही आपकी जो तमाम चीज़ें हैं, ऑफिसर्स कितने हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑफिसर्स आ जाएंगे। रजिस्टर्ड जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिटेल्स आ रही होंगी, ठीक है जी। और इसके ऊपर आपने चेंज कुछ भी नहीं करना। शेयर होल्डर्स अगर आपने चेंज किया है तो वो है पीपल विद सिग्निफिकेंट कंट्रोल, वो है। ये अगर आप ओपन करेंगे तो इसी तरह की डिटेल्स आपके पास शो हो रही होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने कुछ चेंज क्यों नहीं किया। इसका मतलब, कन्फर्मेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जब से आपकी कंपनी बनी है अब तक एक साल के दौरान में अगर आपने अपनी कंपनी की डिटेल्स में कुछ चेंज किया है तो वो आप हमें बताएं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेव कर सकें। चूँकि मैंने अपनी कंपनी की कोई भी डिटेल्स विद इन द लास्ट ईयर में कोई डिटेल्स चेंज नहीं की, तो मैं यहाँ पर कुछ भी एडिट नहीं करूँगा, ठीक है। मैं एज इट इज़ इन तमाम चीज़ों को रहने दूंगा। अगर आपने कुछ चीज़ चेंज की है, एड्रेस चेंज किया, यहाँ पे आएंगे, उस एड्रेस जो करंट एड्रेस है उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे अगर आपने कोई चेंज किया है, आपने कोई शेयर होल्डर ऐड किया है, यहाँ पे व्यू करेंगे तो वहाँ पे आपके शेयर होल्डर नीचे शो हो रहे होंगे, वो आपने ऐड कर लेने। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अगर आपने चेंज की है विद इन द लास्ट ईयर, तो आप यहाँ से एडिट करने के बाद, उन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ पे कन्फर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। I confirm that all information required to be delivered by the company, और सेक्शन ये फलां फलां कि मैं ये कन्फर्म करता हूँ कि मेरी तमाम चीज़ें A to Z correct हैं। ये सिंपली स्टेप होता है, मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया आपके सामने। अगर आपने कोई चीज़ एडिट की है अपनी कंपनी के अंदर विद इन लास्ट ईयर, तो वो आप यहाँ पर आपके पास शो हो रही होगी, वो आप यहाँ से व्यू करेंगे, और यहाँ पर अगर आपके पास शो हो रही होगी तो वो आपने उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से ये आपसे पेमेंट का तरीकाकार पूछ रहा है कि पेमेंट आप किस तरह करेंगे, जो भी प्रोसेस है। तो यहाँ पे 13 pounds आपके पास फीस होनी चाहिए। सबमिशन नंबर ये है, ये आप पढ़ लीजिए, प्लीज़ मेक अ नोट। वो कह रहा है कि इस नंबर को आप अपने पास सेव कर लें, अगर आपके पास कन्फर्मेशन ईमेल नहीं आती तो आप हेल्प डेस्क पे जब कॉल करेंगे तो आप रेफरेंस नंबर ये आप उनको देंगे। नीचे अगर आप आ जाएं तो ये सेव करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आपको ईमेल के थ्रू ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप आएंगे, प्लीज़ सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड किस के तहत आप जो है अपनी पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्रेडिट डेबिट कार्ड को चूज़ करेंगे और इसके बाद हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड। चूँकि मैं पेमेंट क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू बना रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अगर आप पेपॉल के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप पेपॉल सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे, तो जैसे ही कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे तो यह हमारे पास ये डिटेल्स शो करवा देगा। यहाँ पे ये आपको दिखा रहा है 13 pounds फीस है। यहाँ पे आपने अपना जो कार्ड नंबर है जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे वो पुट कर लेना, तमाम डिटेल्स पुट करना कर लेना है। बिलिंग एड्रेस वगैरह की डिटेल्स यहाँ पे पुट करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे अपनी वही ईमेल दे दीजिएगा जो आपने कंपनी हाउस में दी है, या कोई और भी ईमेल यहाँ पे दे सकते हैं। सिर्फ आपने इन्होंने कंफर्मेशन आपको ईमेल भेजनी है जो उस ईमेल को पर। तो यहाँ से आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नेक्स्ट पेज की तरफ ले जाएगा, जो कि फाइनल पेज होगा, जो कि आपको ये बता रहा होगा कि आपकी कन्फर्मेशन स्टेटमेंट फाइल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर पहले जो है अपनी कार्ड डिटेल्स पुट करने के बाद उस पेज की तरफ आता हूँ। तो यहाँ पर मैं इतनी देर में अपनी कार्ड डिटेल्स पुट कर लेता हूँ। तो वेल दोस्तों, मैंने अपनी कार्ड की डिटेल्स यहाँ पे पुट कर ली है, और जिस तरह मैंने यहाँ पे आपने ईमेल पुट करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक न्यू पेमेंट के ऊपर, ये एक न्यू विंडो के ऊपर आपको डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास शो हो रही होंगी, कन्फर्मेशन आपको बता रहा होगा।
यहाँ पे देखें जी, कंफर्म योर पेमेंट, कि उसने वो बता रहा है कि आपकी पेमेंट जो है कंफर्म हो गई है, टोटल अमाउंट ये थी, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर दी, कुछ डिटेल्स थी, और यहाँ पे नीचे आप इसको कंफर्म पेमेंट कर देंगे। तो जैसे ही आप कंफर्म पेमेंट कर देंगे तो ये आपको, ये आपका फाइनल स्टेप है। और यहाँ पे आप देखेंगे कंफर्मेशन ऑफ सबमिशन एंड पेमेंट, कि आपकी जो है, थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड सक्सेसफुली, कि आपकी जो कंफर्मेशन है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो गई है और वो आपके तमाम पेमेंट्स वगैरह हो चुकी है। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल ही प्रोसेस था। इस प्रोसेस के तहत आप जो है आप अपनी कंफर्मेशन स्टेटमेंट को फाइल कर सकते हैं, किसी अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप खुद से करना चाहें तो खुद से कर सकते हैं, अगर आप अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अकाउंटेंट के थ्रू भी ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करवा सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन अ टाइम पीरियड आपने ये कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना ज़रूरी होती है। तो वेल दोस्तों, आज की ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आप खुद से कंफर्मेशन स्टेटमेंट फाइल करना सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपका फ़ायदेमंद हो आपके लिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।